हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सिद्धार्थ और आरती के दोस्ती के बीच में आई शहनाज। यस, आप सोचते रहोगे कि आरती और सिद्धार्थ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। जी हाँ, उन्होंने बिग बॉस के घर में भी कहा था कि वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, बट जिस तरीके से सृजनाज का जो क्रेज़ है और शहनाज और सिद्धार्थ के बीच का इक्वेशन, आरती को क्या कहीं सच में खल रहा है? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जी हाँ, वो बिग बॉस के घर के अंदर सिद्धार्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती थी, लेकिन जब से वो बाहर आई हैं तब से अगर आपने उनका इंस्टाग्राम देखा होगा, आपको सिद्धार्थ के साथ कहीं पे भी उनका कोई फ़ोटो या घर की कोई क्लिप या फिर कुछ नहीं डाला उन्होंने। जबकि उन्होंने बिग बॉस में काफ़ी सारे वीडियो को चैलेंज उन्होंने किया, जो उन्होंने शेफाली बग्गा को दिया, शेफाली जरीवाला को दिया, रश्मि देसाई को दिया, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ को कहीं टैग नहीं किया, ना ही कोई पोस्ट डाला है। वेल, इसके अलावा भी एक और चीज़ अगर आपने गौर किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि शायद से आरती को खल रही है, क्योंकि बलराज ने भी आरती के साथ एक इंटरव्यू कहा किया था, जहाँ पे बहुत सारे फैंस ने, जी हाँ, सिद्धार्थ के फैंस ने पूछा था यही सवाल आरती से कि क्या आरती क्यों नहीं उन्होंने प्रमोट किया भुला दूंगा, जबकि उन्होंने कल्ला सोनानी को प्रमोट किया, आसिम के गाने को प्रमोट किया, लेकिन वहीं पे सिद्धार्थ जो उनके दोस्त हैं उनके गाने को क्यों नहीं प्रमोट किया? तो वेल, आरती ने कहा कि उन्हें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, इसीलिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन अभी भी अगर आप उनका वॉल चेक करोगे तो आपको पोस्ट दिखेंगे जहाँ पे उन्होंने क्वारंटाइन का मैसेज, जी हाँ, क्वारंटाइन का एक मैसेज उन्होंने बहुत लंबा टाइप किया है, जहाँ पे उन्होंने आसिम के साथ हक करते हुए, आसिम के साथ मेमोरीज जो घर की थी वो फोटोज़ उन्होंने वीडियो में से निकाल के क्लिप्स अपलोड किए हैं, और नीचे उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से हम बिग बॉस के घर में थे इतने पेशेंस रख के, एग्जैक्टली वही सिचुएशन बाहर है ड्यूरिंग कोरोना क्वारंटाइन, तो अभी भी हमें वैसे ही मिलके इसे लड़ना होगा। लेकिन उन्होंने एक भी पोस्ट जहाँ पे उन्होंने शहनाज के साथ नहीं शेयर की, ना ही उन्होंने एक भी मेमोरी अपनी सिद्धार्थ के साथ शेयर की, सारे जो आप पिक्चर्स देखोगे वो उन्होंने आसिम के साथ ही डाली है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वजह है कि अभी आरती सिद्धार्थ से अपनी दोस्ती या फिर अपना दूरी बना रही है, ना ही उनसे टच में है, ना ही उनका पोस्ट कर रही है स्टोरीज, ना ही कहीं पे भी कुछ भी वो सिद्धार्थ को क्यों नहीं प्रमोट कर रही है? गाइज, लेट मी नो जो भी आपको लगता है इन द बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।